यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। अतीक पर एक सरकारी संस्थान में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट का आरोप है। अतीक अहमद की गिरफ्तारी कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। पुलिस की गाड़ी में बाहुबली अतीक अहमद और पीछे पीछे गाड़ियों के काफिले के साथ बाहुबली के समर्थक, एक से एक महंगी गाड़ियां, कच्चे पक्के रास्तों पर धूल उड़ाते काफिले के साथ इसी तरह बाहुबली को जेल तक छोड़ के आए उनके समर्थक। ये एक डॉन की जेल यात्रा है। इलाहाबाद के नैनी पुलिस थाने में गिरफ्तारी के दौरान भी समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद ने शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरा काफिला साथ लेकर निकले, जैसे वीर गाथा की दास्तान लिखने जा रहे हो। आखिर पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद को किस जुर्म में पकड़ा, इसकी कहानी आपको बताएं। इससे पहले सुन लेते हैं कि अपनी गिरफ्तारी के बाद अतीक अहमद ने कहा क्या। उच्च न्यायालय के आदेश पर सुना आपने, अतीक अहमद बयान देने पुलिस के पास आए थे और धर लिए गए, वो भी तब जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से फटकार लगी। उस फटकार के बाद इलाहाबाद प्रशासन ने बाहुबली पर हाथ डालने की हिम्मत दिखाई। अतीक अहमद की गिरफ्तारी एफआईआर दर्ज होने के करीब 2 महीने बाद हुई है। अतीक अहमद पर इलाहाबाद के बाहरी इलाके में एक कृषि संस्थान के कर्मचारियों पर हमले का आरोप है। आरोप है कि अतीक अहमद ने 14 दिसंबर को समर्थकों के साथ इंस्टीट्यूट में घुसकर मारपीट की।